21वीं सदी की तस्वीरों में हम अक्सर शहरी भारत को देखते हैं, मगर भारत के ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में बसते हैं जहां तस्वीर इतनी सुहावनी नहीं है। कपाट अपनी भागीदार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से अपनी गतिविधियों को ग्रामीण भारत पर केंद्रित किए हुए है। कपाट यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी की स्थापना 1986 में हुई। इसके उद्देश्य हैं दीर्घ स्थायी और संपूर्ण ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं को समर्थन देना, उचित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करना, जन सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास, विकलांगता कार्रवाई, एकीकृत ग्रामीण आवास और वाटरशेड डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर कपाट आर्थिक मदद प्रदान करता आ रहा है। दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के अलावा कपाट देश के विभिन्न भागों में स्थित 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने कार्यों को अंजाम देता है। 2 दशकों से भी अधिक समय से कपाट विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों का पर्याय बना हुआ है और सफलता की कई दास्तानों का साक्षी है। कपाट की कार्यशैली के तौर तरीकों तथा व्यापक प्रभाव को बताती यहाँ 2 कहानियां हैं। कहानियां 2 गैर सरकारी संगठनों की। तिरुमाला में भक्तों की पुकार सुनकर भगवान बालाजी वेंकटेश्वर का जागरण होता है। इस मंदिर से तिरुपति शहर नजर आता है जिसने सभ्यताओं के कायाकल्प देखे हैं। कायाकल्प वास्तविक बदलाव के रूप में जिसे यही नहीं समीप के इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। तिरुपति हवाई अड्डे के पास ही एक छोटे से गांव में 93 परिवारों के पास अब अपना खुद का घर है। पहले ये लोग नदी के सूखे तट पर रहा करते थे, परंतु राष्ट्रीय सेवा समिति या रास की मदद से अब उन्हें इस छोटे से गांव में अपना बसेरा मिल गया है। रास ने कपाट से मिली मदद से पहल करते हुए स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और परियोजना पर क्रियान्वयन करते हुए गांव का कायाकल्प ही कर दिया। अब इस छोटे से गांव में जिसे सेवा ग्राम कहते हैं, यहाँ सामान्य जन जीवन बहुत सुंदर रूप में नजर आता है। स्वर्णमुखी नाम की छोटी सी नदी आसपास के कई गांवों के लिए पानी का अहम स्रोत बन गई है। 1 दशक पहले ये एक मृत नदी थी। रास ने भूस्तरीय बांधों का निर्माण करके इस नदी को पुनर्जीवित करने का भागीरथ प्रयास सफल कर दिखाया। कपाट ने वाटरशेड डेवलपमेंट योजना के तहत इसके लिए 2.20 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई थी। अब ये नदी स्थानीय लोगों के जीवन को छूती हुई कल कल बहती है। रास ने जनजीवन और मवेशियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए नई जैविक विधि को अपनाने पर विशेष बल दिया है। कपाट की शुरुआती मदद से रास अब 2000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को लघु वित्तीय गतिविधियों में आगे बढ़ा रहा है। संस्था ने अपंग लोगों की मदद के लिए भी सराहनीय कार्य किए हैं। Really, we have started to develop the Rayalaseema region, which is a most backward, drought-prone area in Andhra Pradesh. We have started to develop this organization 1981. I can say initially, Kapat has supported our activities for to take up integrated development activities, that is drinking water, sanitation, and income generating, vocational training. Drinking water, number of including watershed, regeneration of the dead river. It's a innovative project we have developed, which has got appreciation in the international forum also. तिरुपति से हम हिमालय की तलहटी में बसे देहरादून शहर पहुंचे। स्थानीय समुदायों के लिए नई तकनीकों के उद्भव के लिए डॉक्टर अनिल जोशी ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्था यानी हेस्को का गठन किया।
हेस्को द्वारा ज्यादातर पारंपरिक तरीकों के आधुनिक इस्तेमाल के लिए प्रयोग किए गए, जैसे कि स्थानीय पंचक्की घराट। पारंपरिक तौर पर इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए होता आया है, लेकिन हेस्को ने इससे बिजली बनाने का काम भी लिया। घराट लकड़ी की फट्टियों पर पानी के घूमने के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन पानी में लगातार चलने से लकड़ी खराब हो जाती है, इसलिए लकड़ी की जगह हेस्को ने स्टील की हल्की शीट्स का इस्तेमाल किया। आज हिमालय के दूर दराज के गांव और स्थानीय समुदाय अब घराट में बनने वाली बिजली पर काफी निर्भर हो गए हैं। कपाट हैज बीन हेल्पिंग अस डिसेमिनेट द टेक्नोलॉजी एंड फाइंड दैट हाउ ए लोकल पीपल कैन बी इक्विप विद द नॉलेज एंड द टेक्नोलॉजी एंड अल्टीमेटली लिंक्ड अप विद द मार्केट। तो कपाट हैज बीन प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे हैव मेनी टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर इन द कंट्री। हेस्को के प्रयास सिर्फ पंचक्की तक ही सीमित नहीं है, इसने जहरीली खरपतवार को धनवर्षक के रूप में बदलने के उदाहरण भी पेश किए हैं। उत्तराखंड में कई गांवों में कुख्यात लेंटाना अपने पांव पसार रही है। इसे वैज्ञानिक भाषा में लेंटाना कमारा कहते हैं, लेकिन इसके शिकार इसे भूमि हत्यारा मानते हैं। लेंटाना एक अभिशाप है, ये एक जहरीला पौधा है, लेकिन हेस्को ने इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जिसे कोई कीट छूता नहीं है। फिलहाल करीब 40,000 लोग इससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। 2004 में चोट लगा था मेरे को हिमाचल में, तो मैं डेयरी मजदूरी करता था वहाँ पे। तब एक दिन लकड़ी काटने गया मैं, तब मेरे ऊपर पेड़ के टहनी गिर गया था। धीरे धीरे करके सीखा मैंने काम, करते करते अब मैं महीने में मतलब 4-5 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ। इन दो संस्थाओं की कहानी कपाट की विस्तृत भूमिका का एक बहुत छोटा उदाहरण है। कपाट 12,000 एनजीओ की मदद से 25,000 से भी अधिक परियोजनाओं को अंजाम दे चुका है। इन दो से अधिक दशकों में कपाट ग्रामीण भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण मगर अनदेखा हितैषी बनकर कार्य कर रहा है। कपाट अपनी विशिष्ट कार्यशैली के जरिए किसी परियोजना को शुरुआत से अंत तक देखता भालता है। कपाट सिर्फ परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन ही नहीं करता, बल्कि पग पग पर अपनी पूरी नजर उन पर बनाए रखता है। अधिकांशतः कपाट के प्रयास प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं जा सकते, परंतु ग्राम श्री मेला एक ऐसा कपाट का कार्य है जिसके जरिए कपाट कार्यशील समझा जाता है। दरअसल इन मेलों में ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन किया जाता है। इस तरह स्वयंसेवी क्षेत्र को सबल बनाने में कपाट के अनुभव व विशेषज्ञता के उदाहरण को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगी संस्थाएं और राष्ट्र अब। कपाट का मानना है कि ग्रामीण विकास का लक्ष्य स्वयंसेवी संस्थाओं और भागीदारी के साथ बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।